गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां पे जला हुआ है। क्वाइल वाइंडिंग के बाद जो अलग से तार को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये तार का नंबर 1436 हुआ या फिर कोई भी तार आप ले सकते हैं। आपके पास वो सब तार अवेलेबल नहीं है तो आप पुराना तार जो खराब हो चुका होता है, ठीक है, इसमें से यहाँ से इसको ऐसे कट करके तार निकाल लीजिए। ठीक है, जितना भी बड़ा आपको लगाना है उतना तार निकाल सकते हैं आप, निकाल के काट लीजिए। कोशिश करिए कि कलर 3-4 कलर का हो, तो मैं 3 कलर ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, सबको यहाँ से निकाल के हटा देना है, हटा देना है आप सबको इसको। मैं आपको बता दूं, ये 10 पंखा अगर खराब होता है, ठीक है, 10 में से 2-3 तो जरूर ऐसे ही खराब होता है, 2-3 से ज्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। अक्सर क्या होता है, जब फैन ठंडे के समय बंद कर दिए जाते हैं और जब गर्मी के समय ऑन किए जाते हैं तो अचानक से यहीं पे जल जाता है। तो मेरे पास ज्यादा केसेस इस तरह के आ रहे थे तो सोचा कि आपको इस पे एक वीडियो दे दूं। बिल्कुल केयर से आप करें, ठीक है, जैसा कि आप देखते रहिए, मैं एकदम हल्के हाथों से करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है आपको। आप मेरा क्वाइल रीवाइंडिंग का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद से भी इसको कर सकते थे। पार्ट 4 जो अगर आप देखे होंगे अच्छे से, तो उसको देखने के बाद आप इसे भी अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि पार्ट 4 में यही किया गया है। अगर आपको ये जहां भी रोके थोड़ा थोड़ा आप इसको दबाइए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे दबाइए, उसके बाद इसको निकालने का प्रयास करिए, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा से आप देख पा रहे हैं कि एक ये निकल गया, उसके बाद एक यहां पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, इस दोनों को एक में कर देना है, ठीक है, इस दोनों को, रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर के दोनों फर्स्ट इंड को आपको एक में जोड़ देना है, ठीक है। अभी आप हल्का सा ही जोड़िए, बस एक में हो गया। अब इसको अभी आपको क्लीन करना है थोड़ा, ठीक है, उसके बाद इसको आप अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्क्रेच करना है इसको, ब्लेड से कर सकते हैं आप, बहुत तेज ब्लेड से नहीं करिए आप, थोड़ा सा खराब हो गया हो ब्लेड उस ब्लेड से करिए, ताकि ये तार कटे नहीं, सिर्फ क्लीन हो। बहुत तेज ब्लेड रहेगा तो ये तार कट सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पे स्लीव नहीं है वहां पे स्लीव डालना है। यहां पे स्लीव है, मैं यहां पे स्लीव दे दिया हूं, ठीक है, यहां पे स्लीव है, यहां स्लीव नहीं है तो यहां पे थोड़ा सा स्लीव आप लगा दीजिए। आपको बता दूं कि स्लीव नंबर एक नंबर स्लीव यहां यूज होगा। स्लीव में क्या होता है, जैसे नंबर बढ़ेगा उसका मोटाई बढ़ते जाएगा, तो एक नंबर स्लीव आप थोड़ा सा लगा दीजिए, यहां बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। वीडियो हो सकता है ये लंबा हो, लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतनी है और आराम आराम से करना है, और मुझे आराम आराम से समझाने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन वीडियो ओरिजिनल है और आपका काम करेगा, और ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम करने के बाद खराब हो जाएगा, क्योंकि क्वाइल इसका नहीं गया, मैं क्वाइल बाईपास नहीं कर रहा हूँ, क्वाइल तो इसका ठीक ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको जले हुए कनेक्शन को निकाल रहा हूँ अलग, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है,
जो आप तार अलग से लिए हैं, जैसे ये तीन तार आपको लेना है, तीन कलर ले लीजिए ज्यादा बेहतर है। अब तीनों को आप एक में लगा दीजिए, एक में इसलिए ताकि ये आसानी से यहां आ सके। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दीजिए ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहां पे आ गया, देखिए अपने से आके यहां ये फंस जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर किसी ट्वीजर के माध्यम से, चिमटी जिसको आप बोलते हैं, उसके माध्यम से आराम से इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से आप इसको खींच सकते हैं बाहर, और नहीं रुकावट करे खींचने में तो आप इसको पकड़ के खींचिए और इधर अंदर थोड़ा सा प्रेस कीजिए, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तार आपका यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब फिर इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, यहां कर लीजिए। उसके बाद आप दो नंबर या तीन नंबर कोई भी ले सकते हैं, तो मैं यहां पे दो नंबर लेता हूं, दो नंबर तीन नंबर जो आपको लगे कि परफेक्ट है आप ले सकते हैं। और ये स्लीव आपको जहां से क्वाइल मिलता है वहां पे भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, बहुत सस्ती कीमत में, ₹5 से अधिक नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से। दाम मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूं, अगर आपको किसी चीज का दाम पूछना होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बता दिया करूंगा। इस तरह दाम बता देने से कुछ टेक्नीशियन लोग कहते हैं कि सर आप दाम नहीं बताया करिए, उससे उनकी इनकम पे थोड़ा सा असर पड़ता है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे पेस्ट लगाइए, थोड़ा सा पेस्ट इसलिए ताकि अच्छे से सोल्डिंग हो सके, ठीक है। पेस्ट लग गया, अब इस पे थोड़ा सा रंगा, ये इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपका लूज ट्विस्ट हुआ होगा तो वो मजबूत हो जाएगा। अब इसको बहुत ज्यादा नहीं रखना, आपको थोड़ा सा काट के हटा देना है, इसको यहां से टिल्ट कर देना है, मोड़ देना है। अब उसके बाद यहां से आराम से, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, गौर से देखना है क्या रुकावट कर रहा है, उसके बाद फोर्स लगाना है। ये नहीं कि रुकावट कर रहा है फिर भी जबरदस्ती फोर्स लगा के हम उसको वहां तक पहुंचा दें, तो उससे क्या होगा कि इस पे पहुंचाने से यहाँ जोड़ पड़ेगा आपका, ये तार टूट जाएगा। तो अभी ये हो गया, एक तार आप लोग का क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, अब दो क्वायर है, एक ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ। तो ये अंदर वाले में, ठीक है, आपको ब्लू जोड़ देना है। अगर आपको लगे कि ये आपने बड़ा लगा दिया है स्लीव, जैसे ज्वाइंट करने में बहुत कम लग रहा था, इतना से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो यहाँ पे भी आप एक स्लीव लगाइए, स्लीव फिर वही थोड़ा सा और छोटा, स्लीव लगाने के लिए फंसा के ऐसे ट्विस्ट करिए, ये नहीं कि सीधा लगाने की कोशिश करिए, सीधा लगाने में दिक्कत करता है, ट्विस्ट करिए वो खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। अब यहां भी आपको सोल्डिंग करना है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता हो, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहता हो, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्ले करता हूं और आपको भी आपके कमेंट पर रिप्ले मिलेगा। अगर मैं रिप्ले नहीं कर रहा हूं तो आप समझ जाइए कि आपने किसी पुराने वीडियो पर रिप्ले किया है और मुझे कमेंट ऊपर नहीं दिख रहा है, तो आपको लगे कि भाई आपका रिप्ले नहीं मिल रहा है, तो आप नए कमेंट पे मुझे रिप्ले करिए, नए वीडियो पे, किसी वीडियो पे जाइए, और या कोशिश करिए कि जिस चीज से रिगार्डिंग आपका वीडियो उस कमेंट है उसी रिगार्डिंग वीडियो पे जाइए, उसी से रिलेटेड वीडियो पे जाइए और फिर मुझे कमेंट कीजिए, मुझे नया कमेंट मिलेगा, और नया कमेंट क्या होता है, सामने आ जाता है, जिस कारण मैं आपको तुरंत रिप्ले कर सकता हूँ, ठीक है। दो हो गया, ठीक है, ठीक है, दो हो गया। अब आपको क्या करना है, तीसरा, तीसरा जो बचा, ठीक है, फिर वही काम, आपको यहां भी एक स्लिप देना है, ठीक है, फिर से स्लिप दीजिए,
बेहद आसान है, टफ काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि तार टूटे नहीं, ठीक है। और बस तीसरा वायर यहाँ दे दीजिए और फिर से आपको सोल्डिंग करना है ताकि कुछ लूज हो तो वो ठीक हो जाए। एक्स्ट्रा वाले को काट लेना है आपको अच्छे से और फिर से वहीं स्लीव लगा देना है। देखिए अब जाकर आपका सभी का सभी वायर अच्छे से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको छील लीजिए यहाँ से, इसे कवर हटा दीजिए आप। उसके बाद अब क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए या फिर आप सिंपली कंटिन्यूटी टेस्टर से, सिंपली आप कंटिन्यूटी टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूटी रेंज में लगा देता हूं। अब देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये दोनों वाला, दोनों क्वाल का तार मिलाकर एक तार निकला है रेड वाला, तो मैं एक लीड को रेड पे रख देता हूँ, ठीक है। और दूसरे को इस पे देखिए, ठीक है, रीडिंग आ रही है, ठीक है, और यहाँ भी रीडिंग आ रही है, ठीक है, और बड़ी में रीडिंग नहीं आ रही है। बड़ी अब में आप जरूर चेक करें, यहाँ पे टच करके यहाँ पे रख के बड़ी में जरूर चेक करें, बड़ी में नहीं आ रही, इसका मतलब पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब तीनों को एक जगह, कहीं एक जगह इसको आप कोशिश करें कि बांध दें, ठीक है। इसको आप किसी तरह से, एक सबसे आसान है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, स्लीव लीजिए, स्लीव की मदद से ही आप इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो उससे पहले आप क्या करिए, एक पांच नंबर स्लीव लीजिए, ठीक है। पांच नंबर स्लीव को यहां से काट दीजिए, उसके बाद बीचों बीच काट दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहां से ऐसे लगा देना है, मतलब ऐसे करिए कि आपका सारा जो भी तीनों वायर है, तीनों वायर एक में आ जाए, ठीक है। उसके बाद कोई भी दो होल सिलेक्ट करिए, ठीक है, और यहां से आप तार को इधर निकाल दीजिए, कोई भी नजदीकी दो होल, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाए, अगर मैं यहाँ कस के पीछे अगर इसको बांध देता हूँ तो आपका क्या होगा, ये सभी तार एक जगह रहेंगे, इधर उधर जाने का सवाल नहीं होगा, और साथ ही साथ किसी एक तार पे जोड़ नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बस इतना ही भी कर देना है, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं करना है, उसके बाद इतना एक्स्ट्रा तार निकलेगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप इसको यहां से कट कर सकते हैं, आप चाहो तो और अच्छे से बांध सकते हैं, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। अब हो चुका है, मैं आप इसको असेंबल करके दिखा देता हूं, ठीक है। मैं इसको बैठा लिया, अब कवर लगाने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए वही क्वाल है। और आप ध्यान दीजिए, मेरे चैनल पे कोई फेक वीडियो नहीं डाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी वीडियो मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। ठीक है, अच्छे से हो चुका है, और देखिए फ्री है कितना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्लू वायर था जो बीच, मतलब कि अंदर वाले क्वाल से, स्टार्टिंग क्वाल से निकाला गया था, उसको डायरेक्ट आप एक कैपेसिटर में दे दीजिए, और जो दोनों वायर का एक कॉमन वायर निकाल गया, दोनों क्वाल का जो कॉमन क्वाल था रेड वायर, उसमें आप सप्लाई देना है आपको, जो सप्लाई बाहर से आती है, दो तार आता है ना बाहर से, ठीक है। तो एक तार आप दे दीजिए यहाँ, और दूसरा जो बच रहा है
इस ब्लैक वाले के में दे दीजिए, समझ में आ गया। और कैपेसिटर का एक जो बच रहा है वो भी आप ब्लैक में दे दीजिए, बस सिंपल कनेक्शन है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको ऐसे चेक करके दिखा रहा हूँ, आप अगर संभव है आप यहाँ पर टेप या स्लिप कुछ लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा चेक करना है इसलिए ऐसे रखता हूँ, ठीक है। देखिए आप गौर से देखिए कितना अच्छा स्पीड आ रहा है, स्पीड उसी से तुरंत अगर तेज हो गया तो स्पीड अच्छा है। देखिए गौर से देखिए, मैं देखिए बहुत अच्छा स्पीड है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है वीडियो काफी लंबा है, पर इसमें एक भी सेकेंड बेकार का नहीं है। आप देखिए आपको समझ में आएगा और आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा, बहुत फायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।